बिहार में पत्थर उद्योग कई सालों से बंद है। अब सोचिए अगर बालू भी बंद हो जाए तब। पत्थर उद्योग बंद होने के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसी बीच एक और निराश करने वाली खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि अब बिहार में आने वाले दिनों में बालू की किल्लत और बढ़ने वाली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आने वाले दिनों में बिहार में बालू मिलना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि अब घर बनवाना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। अगर आप भी पक्का मकान बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अब घर बनाना और महंगा हो सकता है। अगले 4 महीने तक राज्य में बालू का खनन होने की संभावना नहीं दिख रही है। इसका कारण यह है कि फिलहाल राज्य में 1 जून से खनन कार्य बंद है। ये भी माना जाता है कि बरसात के मौसम में खनन का काम रोक दिया जाता है। इसका कारण भी अगले 4 से 5 महीने तक बालू की किल्लत रह सकती है। खनन एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक राज्य के बालू घाटों पर बालू की उपलब्धता का सर्वे करा लिया है, लेकिन अभी तक उस सर्वे के आधार पर बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हो सकी है। खनन कार्य शुरू कराने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की जा सकी है। आपको बता दें कि इसके लिए कैबिनेट से भी मंजूरी लेनी होगी। वहीं सूत्रों की माने तो अभी विभाग में कर्मियों और अधिकारियों के कार्यबल की जो स्थिति है उसके अनुसार तो ऐसा नहीं लगता है कि अगले 15 दिनों में यह संभव हो पाएगा। आपको बता दें कि जून खत्म होने के साथ ही नदियों के बालू घाटों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि NGT का आदेश लागू हो जाएगा। इनके नियमों के तहत 3 महीने यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदियों से बालू का खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके बाद भी 1 अक्टूबर से नदियों से बालू निकालने की इजाज़त सरकार दे देगी, इसकी उम्मीद नहीं दिख रही है, यानी कि अक्टूबर में भी बालू नहीं मिलेगी। ऐसे में यह कह सकते हैं कि नवंबर से पहले बाजार में वैध तरीके से बालू नहीं आ सकेगा। वहीं दूसरी ओर विभाग का दावा है कि उसके पास सभी जिलों में बालू का पर्याप्त स्टॉक है। विभाग ने यह दावा किया है कि उसके पास सभी जिलों में लगभग 16 करोड़ घनफीट बालू भंडार में है। विभाग का यह मानना है कि राज्य में प्रति माह बालू की औसतन खपत 4 से 5 करोड़ घनफीट है। इस लिहाज से अगर देखें तो राज्य में बालू की कमी तो नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब देखना होगा कि क्या ये आंकड़े हैं वो कितना सत्य हैं। अभी राज्य में बालू वाले सभी 29 जिलों के घाटों पर खनन बंद है। इसका खूब फायदा अवैध रूप से बालू का भंडारण करने वाले और खनन माफिया उठा रहे हैं। आम लोग जरूरत में मनमाने दाम पर बिचौलियों से बालू खरीदने के लिए मजबूर हैं। हालांकि अवैध खनन और भंडारण को रोकने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। बिहार इन शॉर्ट्स के लिए राजकमल की रिपोर्ट। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।